हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन कीन। तो देखने से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज मेरे बच्चों की फेवरेट, मेरे बच्चों की क्या, सबके बच्चों की फेवरेट चीज़ बनने जा रही है घर पे, वो भी एकदम क्रिस्पी बाजार जैसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। उसके लिए मैंने इधर देखिए आलू लिए हैं बड़े बड़े साइज़ के, 4-5 इसे अच्छे से मैंने छील लिया है। और इधर मैंने देखिए थोड़े मोटे मोटे स्लाइसेस में इसे कट भी कर लिया है, थोड़ा मोटा ही रखेंगे ताकि क्रिस्पी हो अच्छे से। तो इधर मैंने सारे कट कर लिए हैं। अब इसे मैं अच्छे से एक पानी में वॉश कर लूँगी, उसके बाद से साफ़ पानी में डाल के इसे हम पतीले को गर्म करने के लिए गैस पर रख देंगे और इसमें हल्का सा 1 से 2 मिनट तक का जो मतलब उबाल आने देंगे, ना ज़्यादा पके ना ज़्यादा कच्चा रहे, बस सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा हमारा आलू, जिससे कि बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो इसमें मैं हल्का सा नमक डाल देती हूँ और इसे अच्छे से हाथ से मिला लीजिए, चाहे चम्मच की मदद से मिला लीजिए। मैंने हाथ के मदद से मिला लिया। अब इसे मैंने गैस पर रख दिया है और गैस को मैंने ऑन करके ढक के रख दिया है। तो चलिए इसे होने देते हैं। तो देखिए इधर ही मेरे सारे आलू हो चुके हैं, मेरे आलू बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इसे एक छन्नी में छान के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये एकदम ठंडे हो जाएंगे तो आप इसे फ्रीजर में रख सकते हैं, फ्रिज में 10 मिनट के लिए, ताकि ये ठंडे होके सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही अच्छे लगें बना के खाने में, एकदम बाजार जैसे, और बच्चों को बहुत पसंद आए, बड़ों को भी। देखिए मेरे जो फ्राइज़ हैं वो सारे के सारे ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसे इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिलाऊँगी, तो इसे अच्छे से, तो इधर मैंने मिला दिया है कॉर्नफ्लोर को अच्छे से। उसके बाद से इसमें हम स्पाइसेस मिलाएंगे, तो ज़्यादा तीखा नहीं करेंगे, बच्चों को खाना है तो इसमें मैं थोड़ी सी स्वाद के अनुसार रेड चिल्ली पाउडर मिलाऊंगी, थोड़ा सा इसमें हम लोग स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे और थोड़ा सा हल्का सा मैं इसे कलर देने के लिए इसमें कलर। तो देखिए इसमें मैंने ये सब चीज़ स्पाइसेस अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इसे हाथ की मदद से ये सब मिक्स करने से एक बाइंडिंग बनेगी अच्छी सी, और अच्छी सी बाइंडिंग बन जाएगी, जिससे हमारे जो फ्राइज़ हैं बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए इसे मैंने हाथ की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो इसे देखिए खूब अच्छे से सारे आलूओं में मिक्स कर लेना है। तो इसे मैं थोड़ा सा झाड़ भी लूँगी कि सारा जो कॉर्नफ्लोर है ये मतलब हमारे आलुओं के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मेरी इस रेसिपी को आप लोग प्लीज़ बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। वैसे तो सबको आता है बट फिर भी ये थोड़ा यूनिक स्टाइल में है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इधर देखिए मेरा तेल जो है रिफाइंड, वो भी ही रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। तो इसे गर्म होने में 2 से 3 मिनट लगेगा। तो देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके सारे फ्राइज़ डालूंगी अपने। तो ये देखिए एक एक करके मैं सारे आलू डाल दूंगी इसमें और अच्छे से इसे धीमी आंच पे हम लोग पकाएंगे, और फिर थोड़ा सा पकने के बाद हम आंच को तेज कर देंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए अच्छे से। तो देखिए मैं एक एक करके सारे डाल दे रही हूँ, ध्यान से डालें कि तेल वेल का छींटा ना पड़े आप लोगों के हाथ पे। तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर मेरे वीडियो पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। तो देखिए मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिए हैं और इसे अच्छे से अब चला लेंगे। देखिए कितने रेड रेड बन रहे हैं ये। तो देखिए मेरे फ्राइज़ बनके रेडी हो चुके हैं और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही टेस्टी बनके रेडी हुए हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखिए इधर मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और बहुत ही कुरकुरे और क्रिस्पी बने हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए भी मुझे कमेंट करिएगा। तो देखिए अब मैं इसे प्लेटिंग करके, अगर आप लोग चाहें तो इसमें चाट मसाला भी मिला सकते हैं। तो इसे मैं प्लेटिंग करके अपनी बेटी को दूँगी खाने के लिए, वो बताएगी कि कैसा बना है। तो इसे अच्छे से मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद से अपनी बेटी को दूंगी, क्योंकि बच्चों को ही ज़्यादा पसंद आता है ये सब। तो इधर आप चाहें तो चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें। तो देखिए मैंने कितनी अच्छी प्लेटिंग कर दी है, अब मैं अपनी बेटी को ये दूंगी खाने के लिए। तो बस अभी मैं उसे बुलाती हूँ और वो बहुत खुश हो जाएगी ये देख के। तो चलिए देते हैं उसे। तो बाबू के लिए मैंने आज कुछ स्पेशल बनाया है, सो ये लो बेटा खा के बताओ कैसा बना है। अच्छा, टेस्टी बोलो। थैंक यू सो मच मम्मा। वेलकम बेटा, इंजॉय।
ओके बाय बाय।